भाई पार्षद हो तो ऐसा, हालांकि अभी पार्षद पद के प्रमाण पत्र के साथ उसको अधिकार नहीं मिल पाए हैं, लेकिन एक पार्षद ऐसा है जो अपने काम में जुट गया है। ये तस्वीरें छतरपुर जिले के वार्ड नंबर 16 के पार्षद गीता तिवारी के पति दिनेश तिवारी की हैं। दिनेश तिवारी की पत्नी गीता तिवारी ने हाल ही में वार्ड क्रमांक 16 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता है। गीता तिवारी के पति दिनेश तिवारी पूरे वार्ड में मामा के नाम से पहचान रखते हैं। मामा ऐसे जैसे कि शिवराज हैं, मामा ऐसे जो कि जनता की फिक्र के लिए उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। घर का रसोई गैस का सिलेंडर खत्म हो जाए या फिर घर के लोगों को बाजार से सब्जी खरीदवानी हो, पार्षद दिनेश तिवारी लोगों की मदद के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। वार्ड नंबर 16 की जनता ने दिनेश तिवारी की पत्नी गीता को पार्षद चुना है और वे दिनेश की सेवाओं से बेहद प्रसन्न नजर आते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरविंद नायक है, मैं वार्ड नंबर 16 का रहवासी हूं और अभी जो चुनाव हुए थे उसमें मेरे जो पार्षद जी हैं श्री गीता दिनेश तिवारी जी, तो उन क्या है कि बरसात के मौसम में अभी जो नालियाँ हैं जो पूरी पूर्ण रूप से मतलब चौक हो गई थी, तो हमने इन्हें फ़ोन लगाया, ये तुरंत सेवा के लिए तत्पर होकर घर आए और इन्होंने आज सुबह ही मेरी नालियाँ साफ़ करवा दी हैं और मैं इनसे संतुष्ट हूँ और इसी तरह ये सेवा करती रहें वार्ड में, यही मैं कामना करता हूँ। जनता बता रही है कि किस तरह छोटी से छोटी मदद के लिए दिनेश तिवारी हमेशा हाजिर रहते हैं। दिनेश तिवारी के द्वारा जनसेवा के ऐसे काम किए जा रहे हैं जो दूसरे पार्षदों के लिए भी प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। वार्ड नंबर 16 से मेरी पत्नी पार्षद हैं और लोगों के मेरे पास सेवा कार्य के लिए फ़ोन आए, सफाई का कार्य कर्मचारी लेके वार्ड में धीरे धीरे कार्य जारी कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 16 सिंचाई कॉलोनी में मेरे वार्ड के सम्मानित मतदाताओं लोगों के फ़ोन आए तो मैंने अपनी स्वयं की मोटरसाइकिल पे नगर पालिका के सम्मानित कर्मचारी को लेके और जो फ़ोन कॉल आई मेरे पास घर घर जाके सफाई कार्य जारी कर रहे हैं। किस कारण ये गंदगी ज़्यादा हो गई, क्या मौसम क्या है? बरसात का मौसम है तो नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं, तो लोगों के फ़ोन आए जैसे, तो मैं जिन जिन लोगों के फ़ोन आए उनके घर घर अपनी मोटरसाइकिल से अपने भाई जो हमारे स्वीपर हैं उनको ले जाकर डोर टू डोर नालियाँ साफ करा रहा हूँ।